हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जियो का एक सीक्रेट ट्रिक। दोस्तों, अगर आप लोग जियो सिम के यूजर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जियो ने अपने प्लान में 20% की प्राइस बढ़ा दी है। इसके बाद कई सारे जियो यूजर्स ने अपने नंबर पर एडवांस में रिचार्ज करा लिए हैं। अगर आप लोगों ने अपने नंबर पर कोई भी एडवांस में रिचार्ज नहीं कराया है और पुराने प्लान वाले रिचार्ज अभी भी अपने पुराने प्राइस में करवाना चाहते हैं, तो यानी कि पुरानी रेट में अगर आप लोग अपने जियो नंबर पर अभी भी रिचार्ज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को एक ट्रिक्स बताऊंगा, उसकी हेल्प से आप लोग अपने जियो नंबर पर पुरानी प्राइस में जियो का रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो में ठीक से समझ आते हैं कि क्या ट्रिक्स है, तो आप लोग अपने जियो नंबर पर जो पुराने प्राइस थी, जियो के जो पुराने प्लान थे, उन्हीं रेट में आप लोग अपने जियो नंबर पर अभी भी रिचार्ज कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इस ट्रिक के बारे में बताना चाहते हैं, तो यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोन को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको jio.com वेबसाइट ओपन करनी है। जियो वेबसाइट ओपन करने के बाद 3 लाइन पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ एकदम नीचे आप लोगों को आना है, साइन इन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। OTP नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको रिचार्ज पर के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर जो सेटिंग वाला आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा सर्विस सेटिंग्स पर और यहाँ पर आपको क्लिक करना है टेरिफ प्रोटेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो के पुराने वाले प्लान्स अभी भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप लोग अपने जियो नंबर पर इन रिचार्ज को कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ट्रिक्स होती है जो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। अगर आप लोगों को अपने जियो नंबर पर रिचार्ज करना है तो आप लोग अभी से अभी कर सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों को भी पुरानी रेट में जियो का रिचार्ज करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस ट्रिक्स का बेनिफिट ले सके। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं, क्योंकि इसी तरह के ट्रिक्स वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।